दोस्तों, हमने इवेंट मैनेजमेंट का ऑफिस खोला है। हम बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी या किसी भी तरह की पार्टी का सारा बंदोबस्त कर सकते हैं। आपको जो भी पार्टी करनी है बस हमें फोन कीजिए, उस पार्टी का सारा इंतजाम हम करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसके बदले हम आपसे बहुत ही कम पैसे लेंगे। पार्टी ऑर्गेनाइज करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम तुम दोनों का मदद करेगा। चिंगम सर, चलो आप मुहूर्त करो और रिबन काटो। अयो माँ, मैं ही मुहूर्त क्यों करूँ? मैं जब भी मुहूर्त करता हूँ किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। आज मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ केक खाऊंगा। चिंगम सर, वो केक नहीं खाओ, नहीं खाओ। अरे वो केक अंदर से साबुन का बना है, ऊपर सिर्फ आइसिंग है। अरे वो सिर्फ शो के लिए था। साबुन कभी कभी केक होता है क्या? यार ये लो इसे पी लो। अरे माँ ये क्या हो गया? मैं तो गुब्बारे वाला बन गया। मोटू पतलू छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इसे पी लो चिंगम सर, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर जटका। ऐसा ना जा रहा है तो 20 साल में कभी नहीं देखा। मोटू मुबारक हो, मेयर साहब का फोन था, उन्होंने अपने लड़के की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कहा है। जाओ, और ये शुरुआत ही मेयर साहब के यहाँ से हो रही है। Happy birthday to you. Happy birthday. मोटू पतलू, तुम लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, थैंक यू। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो बच्चों को डांस करके दिखाने वाले हैं? केक कट गया है, जल्दी बुलाओ उन्हें। जी जी, वो आते ही होंगे। हेलो, अच्छा जी, ओके ओके। मोटू वो डांस करने वाले नहीं आ रहे हैं, उन दोनों में से एक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें? अरे डांस नहीं हुआ तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा, सब उनका ही इंतजार कर रहे हैं। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम कुछ करो। आइडिया, आओ मेरे साथ। नामुमकिन लगा रखा है, आई मीन लगा रखा है। नंबर वन तुम बोलो। बॉस को पकड़ना ना मुश्किल है ना नामुमकिन है, मोटू पतलू उनको कई बार पकड़ चुके हैं। क्या पक रहे हो तुम दोनों, किसी काम के नहीं। हैंड्स अप, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो और अपने अपने पर्स, घड़ियां और ज्वेलरी मेरे बैग में डाल दो प्लीज। बुड़ी बाबा, हाथ तो ऊपर है, पर्स कैसे निकालूं? हाथ नीचे करो और पर्स निकालो जल्दी। इलेक्ट्रिक पर्स में आग लग गई है। अरे
ऊपर भेज रहे हो। चिंगम सर फायर ब्रिगेड बुलाओ जल्दी। मोटू पतलू कुछ करो। पतलू तो बच्चों को लेकर इधर दूसरी बिल्डिंग में आ जाओ जल्दी। चलो चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं, आग बढ़ रही है। चलो चलो बॉस बॉस, मैंने कहा था ना आपको पकड़ना ना तो मुश्किल है ना नामुमकिन है। वो देखो मोटू आ गया। एयर साहब ये रहा जॉन और उसके साथी। थैंक यू मोटू पतलू, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले ऊपर की आग बुझानी है। आग बढ़ रही है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। अरे ये तो हमारी कुक है, वो किचन में होगी। मोटू पतलू उसे बचा लो प्लीज। बचाने आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। हमें जल्दी ही वो आग बुझानी होगी। मुझे बचाओ, आग से मुझे डर लगता है। मोटू पतलू बचाओ प्लीज। अरे आग तो तुमने ही लगाई है, अब भुगतो। सॉरी मम्मी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, बचाओ। मोटू मैंने इस तरह आग बुझाने को नहीं कहा था। खुशबू समोसे। ये कहाँ जा रहा है? क्या कहीं समोसे रखे हैं? हाँ किचन में है, वो कच्चे थे लेकिन शायद इस आग की गर्मी से पक गए होंगे। समोसे। मजा आ गया, गर्मा गर्म समोसे खाने को मिले। मोटू समोसे खा लिए हैं तो अब शुरू हो जाओ। मोटू मैं किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा, मारो नहीं आग बुझा दो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम कुछ सोचो। क्या करे, आइडिया, इससे काम बन जाएगा। मोटू पानी पीते रहो जब तक पेट में जगह है। अरे मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं क्यों पानी पीऊं? तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पियो। मैं जैसा कह रहा हूँ बस वो करो। ओके गुस्सा क्यों हो रहे हो? मोटू अब मुंह से पिचकारी मार के आग बुझा दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मोटू जी। मोटू पतलू तुम दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तुमने आज इतने लोगों की जान बचाई है और जॉन और उसके साथियों को भी पकड़वा दिया है। मैं तुम दोनों को सरकार की तरफ से बहादुरी का इनाम दिलवाऊंगा।
इससे पहले कि यहाँ दोबारा आग लगे मुझे जेल ले चलो, जेल ले चलो।